इस वीडियो में आपके साथ एक ट्रिक शेयर करेंगे जिससे आप बोन ऑर्डर, बोन लेंथ एंड बोन स्ट्रेंथ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है इसे निकालने में, लेकिन इस ट्रिक की हेल्प से आप इसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं बोन ऑर्डर की, जिसको हमने तीन टाइप में बांटा है। सबसे पहले टाइप वन। तो टाइप वन में सीधे सीधे आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा, जैसे कि H2O2N2, इनका आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसकी केमिकल बॉन्डिंग देखनी है, जैसे कि H2 की बॉन्डिंग 1 होती है बीच में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। O2 की 2 होती है, यानी कि इसके बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। एंड N2 नाइट्रोजन के बॉन्ड बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। इसके बाद टाइप टू के लिए एक ट्रिक है, इलेक्ट्रॉन सम इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन सम निकालना है जिससे आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यदि आपका इलेक्ट्रॉन सम 14 आता है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, 15 आता है तो 2.5, 16 आता है तो 2.0, 17 आता है तो 1.5 एंड 18 आता है तो 1। इसी तरह आपका 13 आता है तो 2.5। इसी तरह हमें उल्टा भी पीछे की तरफ चलना है, तो इससे आप आसानी से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते। तो देख लेते हैं, पहले है O2। तो O2 का इलेक्ट्रॉन सम होता है 8+8 इज इक्वल टू 16, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 16 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। इसके बाद O2 माइनस 8+8+1, जो कि माइनस यहाँ से आया है, प्लस 1 हो गया, तो उसका 17 का होता है 1.5, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। इसके बाद O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन सम होगा 8+8-1 इज इक्वल टू 15, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर 15 का 2.5। तो इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन है CO+, जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5, और उसे आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। बाकी सबके आप इस मेथड से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि CO+ का बॉन्ड ऑर्डर आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। एंड लास्ट में टाइप 3। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि H2O2, KO2, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर आपको कैसे निकालना है, तो इसको आपको उसे तोड़ लेना है। जैसे कि अगर आप O2 से 2 H2 को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पाएगा O2-, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो O2-, 8+8+2 इजिकल टू 18, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। एंड KO2 में यदि हम K को बाहर निकाल देंगे, तो उस पर एक माइनस आ जाएगा, तो O2-, तो इसका होगा 8+8+1 इजिकल टू 17 का होता है 1.5। तो ये थी बात बॉन्ड ऑर्डर की। अब लिख लेते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यदि आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया है, तो आप बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं। एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरह आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। जो ऑर्डर आपका बॉन्ड ऑर्डर का आएगा, वही ऑर्डर आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का आएगा। यदि क्वेश्चन आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का दिया जाता है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी निकाल सकते हैं। एंड यदि आपसे बॉन्ड लेंथ पूछी जाती है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर के सीरियल को उल्टा करके बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।